Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Yes, बहुत ही जल्दी समर आ चुका है पूरे इंडिया में और स्पेशली कोलकाता में तो बहुत ही जल्दी आया. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि समर शायद जल्दी आएगा कोलकाता में, तो ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ एसी चलना शुरू हो गए हैं. एनीवेज, जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लास्ट टाइम भी जब विंटर आया था तो हम विंटर पे कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स मेंशन करे थे और मेरे को लगता है आप लोगों को वो वीडियो पसंद भी आया था बिकॉज इसमें व्यूज आए थे. तो मैंने सोचा कि ओनली बिकॉज अब समर भी आने वाले हैं तो व्हाई नॉट मेक अ समर एसेंशियल वीडियो जिसमें आपको हेयर केयर से लेके स्किन केयर से लेके बॉडी केयर से लेके पर्सनल हाइजीन से लेके आपको सब कुछ दिखेगा इस वीडियो में. अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे समर रेडी हो सकते हो अपने एसेंशियल प्रोडक्ट से, यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि मेरे हेयर स्किन और बॉडी टाइप बाकियों से डिफरेंट हो सकते हैं और एट द सेम टाइम बाकियों के मेरे साथ मिल भी सकते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, आई विल रिकमेंड कि आप पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करा लो कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो या नहीं. सो अब क्या करते हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे हेयर केयर से बिकॉज हेयर केयर के प्रोडक्ट्स कम है मेरे पे बिकॉज आई डोंट एक्सपेरिमेंट विथ माई हेयर केयर एंड स्किन केयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेकमेंड करेंगे आपको समर टाइम के लिए. समर टाइम इज समथिंग कि आप ना वो मिंटी कूलनेस ये बहुत पसंद करोगे, तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है, लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्ले शैम्पू और ये एंटी ऑयलनेस और प्यूरिफाई स्कैल्प, ऑयल स्कैल्प और हेयर के लिए है जैसे कि आपको दिख रहा है. सॉरी ये थोड़ा पुराना हो गया बिकॉज ये मैंने लास्ट समर से यूज करना शुरू किया और ये खत्म होने को आया है, तो मेरे को लगता है कि एम्प्टी बॉक्स में भी जल्दी एम्प्टी वीडियोस में भी जल्दी आएगा. सो ये रहा ये वाला शैम्पू. जब आप ये शैम्पू यूज करोगे ना और वो जो कूल सेंसेशन होता है ना, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है. ये है मेरा शैम्पू और इसी के सेम कंडीशनर. सो ये शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर दोज हु हैव ऑयली स्कैल्प एंड हेयर. नेक्स्ट इज फेस प्रोडक्ट. यही मेरा हेयर में सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन था बिकॉज एज आई सेड कि आई डोंट एक्सपेरिमेंट विथ माई हेयर. नाउ फेस में आई विल रिकमेंड टू यूज फेसिक्स जेल फेस वॉश. ये मेडिकेटेड फेस वॉश है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और ये ऑल वेदर सूटेबल है. सो ये मेरा फेस वॉश. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज खरीदा है मैंने, दैट इज द ओले ल्यूमिनस वाला नायासिनामाइड हाइलोरोनिक सुपर सीरम. ये मेरा रिसेंट परचेज है बट आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा मेरे को टेम्प्ट कर रहा है रिसेंटली बिकॉज मैंने अभी तक यूज नहीं किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई कैन टेल यू कि ये अगर सुपर सीरम है और ये मेरे रिसेंट परचेज में किया है, जैसे कि नायका का होली हंगामा सेल में लिया है, बाकी प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं इसलिए होली हंगामा का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, बाकी प्रोडक्ट्स आएंगे तो ये उसमें ऐड रहेगा बिकॉज मैंने अभी अभी खरीदा एज आई सेड. बट आई कैन टेल यू दैट दिस प्रोडक्ट इज वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज अंदर का जब टेक्सचर हम इसमें देखते हैं तो इसमें ना वो शिमरी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे ग्लिटरी पार्टिकल्स जो आपको समर में बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं फॉर योर समर मेकअप और समर स्किन केयर रूटीन में. आई थिंक यू शुड एड दिस ओले ल्यूमिनस नायासिनामाइड हाइलोरोनिक सुपर एसिड सुपर सीरम. जब समर है तो आपको 12 महीना SPF यूज करना चाहिए, तो आई हैव टू रिकमेंडेशन. वन इज दिस सन क्रॉस, ये 50 SPF है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है एंड ऑल एजेस, फॉर ऑल एजेस 6 मंथ के ऊपर से आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. ये मेडिकेटेड है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, ये मेरे डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया. सनस्क्रीन है जो आई थिंक लगता है मार्केट में सबका फेवरेट है, विच इज द न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक. ये भी SPF 50 है, ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है. मेरा एक और रिकमेंडेशन रहेगा मॉइस्चराइजर. नो मैटर विच मंथ यू आर इन और विच वेदर यू आर इन, आपको मॉइस्चराइज बहुत ही जरूरी है स्किन पे. तो आई थिंक इससे अच्छा मॉइस्चराइजर मेरे फेस के लिए या किसी के भी फेस के लिए इससे अच्छा मॉइस्चराइजर हो ही नहीं सकता, विच इज द लिनोसिया मैक्सिमम इंटेंसिव मॉइस्चराइजर और ये भी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं आपको मेडिकेटेड प्रोडक्ट. तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग फेस के लिए. लास्ट प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन रहेगा मेरा एक फेस मिस्ट. वैसे तो ये मैक का प्रेप एंड प्राइम है बट मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग
फेस मिस्ट के हिसाब से भी इसको यूज करते हैं जस्ट टू गेट रिफ्रेश ऑन देयर फेस. अगर आप मेकअप बहुत ज्यादा करते हो या आप मेकअप करके निकल रहे हो, समर टाइम है, आपका स्किन बहुत ही ज्यादा स्वेटी हो रखा है, या यू वॉन्ट द हाइड्रेशन इन योर फेस, यू कैन यूज दिस फिक्स, मैक फिक्स प्लस. लिप्स पे आते हैं, बिकॉज लिप्स बहुत ही ज्यादा टैन पड़ सकता है आपके लिप्स में समर में, बिकॉज वही होता है जनरली. और ऐसे भी इस साल शायद कम होगा, बिकॉज फॉर लास्ट 2 or 3 years वी आर यूजिंग द मास्क. सो मेरे को नहीं लगता है कि मास्क में हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लिप्स रिलेटेड. बट इनकेस अगर आप लिप्स बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो लिप्स को लेके, और अगर आपको वो नहीं चाहिए, टैन वगैरह नहीं चाहिए अपने लिप्स में, सो आई कैन रिकमेंड यू वन लिप स्क्रब, और ये है अलाना का विटामिन सी रिच लेमनेड लिप स्क्रब. और ये बहुत ही चीप है और बहुत ही इफेक्टिव है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट दिस इज वेरी इफेक्टिव, इट मींस वेरी इफेक्टिव. और ये बहुत 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 अफोर्डेबल प्राइस में आता है. आपको लिप ग्लॉस रिकमेंड करेंगे बिकॉज समर टाइम है. इफ यू वांट यू कैन चूज एनी शेड ऑफ लिपस्टिक, बिकॉज समर टाइम में सारे लिपस्टिक चल जाते हैं. बट वॉट अबाउट लिप ग्लॉस? अगर एक लिप ग्लॉस हो तो आई एम रिसेंटली ऑब्सेस्ड विद दिस लिप ग्लॉस इन द शेड आई थिंक स्पार्कलिंग रोज. और ये प्लम्पिंग लिप ग्लॉस है, ये बहुत ही मिंटी सेंसेशन देता है. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको मिंटी सेंसेशन बहुत पसंद है, और समर के लिए आई थिंक ये बेस्ट होगा. इसके और भी बहुत सारे आते हैं, बट आई चोज दिस लिप प्लम्पिंग ग्लॉस इन द शेड स्पार्कलिंग रोज. कम्स टू समर, सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट करता है आप अगर फेस, हम लोग अपने फेस को बहुत अच्छा टेक केयर करते हैं व्हेन इट कम्स टू समर, बिकॉज हमें फेस पे टैन नहीं चाहिए. बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा स्किन भी सन से एक्सपोज होता है. तो उस एक्सपोजर को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ यू कैन यूज दिस पपाया, बायोटिक का पपाया वाला बॉडी स्क्रब, बिकॉज आई थिंक ये टैन भी रिमूव करता है और ये वाइटलाइज भी करता है. सो दिस आई थिंक दिस इज द बेस्ट टैन रिमूवल स्क्रब आउट इन द मार्केट, जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आता है और बहुत ही इफेक्टिव, अफोर्डेबल प्लस इफेक्टिव है ये बायोटिक का टैन रिमूवल. सो आई थिंक दिस इज मस्ट मस्ट मस्ट, इट शुड बी इन योर मस्ट हैव फॉर द समर एसेंशियल प्रोडक्ट. तो अपने फेस का बहुत अच्छा केयर कर लेते हैं, बट वेन इट कम्स टू स्किन we compromise that and we shouldn't be doing it. So इसलिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा alternative है, जो लोग SPF लगाना पसंद नहीं करते हाथ पाँव में, but at the same time they want that body, जिनके 12 महीना skin बहुत ही ज्यादा dry रहते हैं, just like mine, मेरे को 12 महीना Vaseline चाहिए, I mean body lotion चाहिए. अभी ऐसा मेरे को ये like 2-3 years से मैंने ये notice किया है कि मेरे को 12 महीना lotion लगता है. सो आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा, बिकॉज वैसलिन के इस वाले लोशन में SPF 30 है. ये पोल्यूशन और सन से प्रोटेक्ट करता है. इसमें मल्टी वाइटामिन यूवी लोशन है और ये पोल्यूशन प्रोटेक्टेड फॉर्मूला से बना हुआ है. सो एज यूजुअल आपको ये प्रोडक्ट ना कभी भी नायका में अवेलेबल नहीं होगा. आई डोंट नो व्हाई, मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि ये मेरे को नायका में मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नायका में कभी भी अवेलेबल नहीं होता, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है. सो आई गॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम बिग बास्केट. आप इसको बिग बास्केट से लो, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा मेरे को डिस्काउंट भी मिल गया था और ये बहुत लंबे समय तक चल जाएगा. बॉडी लोशन भी हो जाएगा और आपको सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा. व्हेन इट कम्स टू बाथ, यू नीड दैट कूल मिंटी रिफ्रेशिंग बाथ. सो रिफ्रेशिंग बाथ आपको एक ही वे में मिल सकता है, व्हेन यू यूज अ लाइक अच्छा वाला अगर बॉडी वॉश हो तो. सो मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट में लिरल से अच्छा बॉडी वॉश कोई बनाता है व्हेन इट कम्स टू दिस वन विच इज इन द कूलिंग मिंट. ये तो मेरा होली ग्रिल है भाई, आई यूज दिस एंटायर समर. अब समर आने वाला है, ये मेरे मेरे जितने भी अब समर के वीडियोस रहेंगे ना, आई थिंक आई विल गोइंग टू मेंशन दिस प्रोडक्ट, बिकॉज आई एम obsessed with this. आप जब नहाओगे ना, इसको स्क्रब करोगे ना, यू विल फील दैट कूलनेस इन योर बॉडी व्हेन यू विल यूज इट. सो आई, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आता है. इसको अगर आप डिस्काउंट लेने जाओगे नायका में, आपको 100 rupees में मिल जाएगा. ऐसे तो इसका प्राइस 180 है, बट ये 100 rupees में मिल जाता है. तो ये मेरा
बॉडी वॉश रिकमेंडेशन होगा फॉर श्योर. आप ये और ये लिस्ट से जरूर लो, हम बोल रहे बिकॉज दिस will worth every penny. Trust me, I'm not lying to you guys. मेरा second recommendation होगा body wash का shower gel, which is in Nivea lemon and oil. I think आपको Nivea का बहुत सारा range मिल जाएगा in affordable range, but summer specially अगर आप choose करोगे तो I would recommend you to choose the lemon and oil because ये आपको refreshing sensation देंगे, या I mean refreshing लगेगा ये वाला product खाली. So I would recommend you this. Next recommendation रहेगा shower gel का. Of course, जब essential products पे बात हो रहा है तो body shop का मेरे list में रहना is a must. Why? Because I absolutely love this body shop का orange वाला Satsuma. ये जो smell करता है ना, ये exactly वैसा smell करता है जब हम लोग बचपन में वो जो orange candy नहीं खाया करते थे. जब आप नहाओगे ना तो आपको यही feeling आएगा कि ये ना orange candy का smell देता है. पूरे entire washroom में आपको वो orange candy का smell आएगा. Other than that, I'm not a big fan of orange. But when it comes to product which I recommend or which I preferably use, this is the only thing. Category आता है personal hygiene पे when it comes to body odor and body perfumes. Now, I am not a big fan of body mist because मेरे को body mist अच्छे नहीं लगते हैं. I don't know why, because उसमें floral या fruity वाले flavors ज़्यादा होते हैं. So I am not a big fan of fruity or floral anyways. So what I do, personal hygiene के लिए तो आपको first of all Nivea का आप एक milk तो use करो, deodorant, roll on deodorant तो use करो, because I think summer appropriate अगर कुछ हो सकता है ना तो वो है ये product जो आपको sweat से सच में बहुत ज़्यादा help करता है रोकने में. So Nivea का roll on deodorant, first recommendation. People like us, women prefer talc sometime, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुछ पार्ट्स के लिए, इफ दैट मेक्स सेंस टू यू. अगर आप वैसे हो कि लाइक यू आर अ लिटिल कर्वी और आपके स्किन थोड़े ज्यादा सैगी हैं और वहां पे बहुत ज्यादा स्वेट जमता है, व्हेन इट एनी प्लेसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया, एनी पार्ट ऑफ योर एरिया विच सैग्स और विच इज ह्यूज, आप क्या कर सकते हो, यूज अ टैल्कम पाउडर. एंड आई थिंक निविया का ये वाला जो मस्क टैल्क है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टैल्कम पाउडर व्हेन इट कम्स टू लाइक स्वेट प्रूफ. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन, सो आई विल रिकमेंड दिस. आपने इतने सारे वीडियोज में कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं करे है परफ्यूम या डिओड्रेंट पे, बट आई थिंक अगर आपको वो शुगरी कैरामेली जैगरी वाला स्मेल या फिर वो हल्का सा पिंच ऑफ वनीला स्मेल अच्छा लगता है, आई कैन टेल यू गाइज, स्टूडियो वेस्ट का ये जो लव वाला है ना डिओड्रेंट फॉर वेमेन, आप पागल हो जाओगे ये वाला डिओड्रेंट से. आई एब्सोल्युटली लव इट, और ये डे टाइम के लिए बेस्ट है. ये आपका परफ्यूम जैसा ही काम करता है, इवन दो इट्स अ डिओड्रेंट, बट आई कैन टेल यू कि ये ना डिओड्रेंट से ज्यादा आपको परफ्यूम वाली फीलिंग देगा. अगर आपको वाले स्मेल्स अच्छे लगते हैं जो मैंने अभी मेंशन किया, यू कैन एटलीस्ट गिव अ ट्राई टू दिस प्रोडक्ट. हाउ क्यूट इज दिस, ये पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है और इसका स्मेल मेरे को ये हेवन में पहुंचा देता है. आई एब्सोल्युटली लव दिस स्मेल, आई डोंट नो व्हाई. लास्ट थिंग फॉर योर समर एसेंशियल प्रोडक्ट रहेगा एक परफ्यूम, पॉकेट साइज परफ्यूम, बिकॉज समर इज समथिंग आप स्वेट और बॉडी ओडर से डरते हो. तो स्वेट का तो मैंने बता दिया, बॉडी ओडर से बचने के लिए इफ यू लाइक फ्लोरल और इफ यू लाइक द सेंट दैट कैन प्रेफर यू एज लाइक वनीला मास्क फ्लोरल, एट द सेम टाइम इसमें थोड़ा सा वो एलिगेंट टच भी है रोज वगैरह का. सो ये ना मेरे को जनरली पसंद नहीं आता, एज आई सेड दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फ्लोरल एंड फ्रूटी स्मेल, बट ये आपको ना ही एग्जैक्टली फ्लोरल का सेंट देता है और ना ही एग्जैक्टली ये किसी फ्रूट से मिलता जुलता स्मेल है. ये ना बहुत ही यूनिक स्मेल है. आई डोंट नो व्हाई दे से दैट दे हैव वनीला इन इट, दे हैव रोज. यस,
आई डेफिनेटली कैन स्मेल इट कि इसमें हल्का सा रोज है और मस्क भी है, बट एट द सेम टाइम आई कैन टेल यू कि ये ना एग्जैक्टली वो फ्लोरल या फ्रूटी स्मेल नहीं आता है इससे. ये ना समर टाइम डे टाइम बेस्ट 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 परफ्यूम है. ये हम खुद कैरी किए थे जब हम अपने ट्रिप पे गए थे जयपुर पे ऑन डिसम्बर, तो ये बस उसी टाइम खरीदा था और मैंने जयपुर के वो 4 दिन के ट्रिप में मैंने इतना खत्म किया था. अदर देन दैट एज आई सेड कि अभी हम घर से बाहर नहीं जाते डे टाइम, तो आई हार्डली यूज दिस, बट आई यूज दिस एज माई होली ग्रील. जहां पर भी जाते ये यूज करते, इसलिए ये खत्म होने को आया है तो मेरे को जाके वापस से एक उठाना पड़ेगा. सो दिस इज माई लास्ट रिकमेंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन माई चैनल, एक परफ्यूम. और इस परफ्यूम का नाम है, भूल ना जाए हम, रेजन दे एत्रे. आई एम सॉरी अगर हम प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं, बट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक एक बार चेक कर लेना विथ नेम. लंबा हो गया वीडियो तो बहुत ही लंबा खींचने के बाद ये वीडियो मेरे को लगता है कि अब यहीं पे स्टॉप कर जाना चाहिए. आप मेरे को रिकमेंडेशंस दो समर का कि आप इसमें से कोई प्रोडक्ट्स खरीदना चाहोगे या नहीं, अगर हाँ तो कौन सा. आप मेरे को कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो कोई भी प्रोडक्ट का दैट आई शुड रिव्यू और आई शुड बाय, आई शुड टेस्ट, आई शुड डू एनीथिंग विद दैट प्रोडक्ट. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यू हैव टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय. तो आपको वैसे तो आपको 12 मंथ ही एस यू वी, सॉरी वाई एम आई सेइंग,